वेलकम टू डिस्कवर टैलेंट फ्रेंड्स, ट्यूटोरियल 4 में आपका स्वागत है। यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ होम टैब के अंदर जो अलाइनमेंट एंड नंबर फंक्शन है वो कैसे यूज़ करेंगे हमारे एक्सेल के अंदर। वो सब मैं आपको स्टेप वाइज बता दूंगा। ऑलराइट, वेलकम बैक दोस्तों। दिस इज द बेसिकली शीट जहाँ पे हम थोड़ा सा वर्कअप ऑन करेंगे एज लाइक हाउ टू डू दिस फंक्शनैलिटीज, कैसे यूज करने हैं। करेक्ट, ये जो क्या होता है रैप टेक्स्ट क्या है, ठीक है, एंड देन दिस आर द नंबर फॉर्मेटिंग क्या होती है, ठीक है, बड़ा एसेंशियल है दोस्तों। हमारा ये फंक्शन, ठीक है, एंड देन दिस इज द टेबल। अब यहाँ पे मैं चालू कर रहा हूँ, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। अभी क्या है ना, इससे मैं थोड़ा सा स्क्रोल अप कर ले, थोड़ा डाउन कर लेता हूँ, राइट, सो आपको मैं दिखा सकूँ एग्जैक्टली इसका यूज क्या होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ टॉप अलाइन, तो ये टॉप में चला जाएगा, ठीक है, एंड देन मिडल, मिडल में आ जाएगा, देन बॉटम, करेक्ट। अब दोस्तों अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे मेरा डिजिट राइट हैंड साइड में है, ठीक है, एंड देन दिस इज द लेफ्ट, ये भी लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो इसमें अलाइनमेंट कैसे चेंज करनी है हमें, उसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो है डिजिट मेरा यहाँ पे आ जाएगा, जो चीज़ें मेरी राइट में थी वो लेफ्ट में आ जाएगी, एंड देन सेंटर में, एंड देन अगेन राइट में, ठीक है। इसे आप दोस्तों साथ में भी कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पे पूरे शीट को सिलेक्ट करूँ एंड देन यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों मैं आपको जैसे टिप बता रहा हूँ, ठीक है, टिप एंड ट्रिक्स है, कैन से सपोज आपकी शीट कुछ इस तरह से है, ठीक है, आप बिगिनर लेवल पे हो सो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सपोज आपकी शीट कुछ इस तरह से है और आपको डेटा रीड करना नहीं हो रहा प्रॉपर, राइट, तो क्या करोगे, पहले तो कंट्रोल प्रेस करके जूम आउट कर लो इसे, स्क्रॉल डाउन करके। अगर नहीं पता आपको कंट्रोल कैसे प्रेस करना है, या फिर आप यहाँ पे भी ये ऑप्शन भी कर सकते हो, ठीक है, सिंपल वे में, एंड देन यहाँ पे क्लिक करके आपको डबल क्लिक करना है, तो ये आपका जो कॉलम वाइज है वो स्पेस ले लेगा, एंड देन रोज पे क्लिक करना है, सो ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट कर लेगा। सो दिस इज जस्ट एन बोनस टिप आई कैन से। ये हो गया आपका अलाइनमेंट फंक्शन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सीखना है ये क्या होता है, राइट, ये क्या है भाई, मुझे क्या लिखा है यहाँ पे। मुझे लिखना है ये, अभी मैं टाइटल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, सब टाइटल को मैंने सिलेक्ट किया, एंड देन यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये कुछ डेटा मुझे इस तरह से यूज शो करेगा, ठीक है, इस तरह से कुछ शो कर रहा है। अब यार आप बोलोगे दोस्तों, मतलब सर ये जो आप बता रहे हो, ठीक है, देखने के लिए अच्छा है, बट ये कहाँ पे यूज करेंगे हम। दोस्तों कैसे होता है, डेटा विजुअलाइजेशन जब करते हो, ठीक है, स्पेशली एमएस वर्क के अंदर, तभी आपको ये मोस्टली ना यूज होता है। आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा को विजुअलाइज कर सकते हो, स्पेशली द डिजिट्स, ठीक है, कितनी टोटल एसएलए है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर, या फिर कितना टर्न अराउंड टाइम है, या फिर कितना लॉग इन आवर्स है, वो सब चीज़ें आप वहाँ पे कर सकते हो। वो हुआ पर्टिकुलर एमआईएस वर्क के रिलेटेड, बट अगेन स्टूडेंट्स कितने आज प्रेजेंट थे, ठीक है, उनका आज कितने बार वो लोग चले गए ब्रेक पे, वो लोग कितना ब्रेक दिया, या फिर ये सब चीज़ें आप स्कूल के हिसाब से कर सकते हो। आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आप देख लो, ठीक है, क्योंकि मेरे जो व्यूवर्स है मोस्टली हर एक अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एंटिटी से है, कोई एमआईएस वर्क वाला है, ठीक है, कोई स्कूल कॉलेज प्रोजेक्ट्स वाला है, आपके हिसाब से आप देख लेना। मैं आपको खाली बस बता रूंगा कि इसका यूज़ क्या होता है, आप आपके कन्वीनियंट के हिसाब से देख लेना, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आपको कर देगा। अब ये सब चीज़ों को क्यों हुआ, क्योंकि मैंने पूरा टेबल सिलेक्ट कर रखा है, तो इसलिए कंट्रोल जेड कर देता हूँ नॉर्मल आने के लिए। अब ये सब चीज़ें मैं फ्रिक्वेंटली कैसे कर रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल जेड क्या होता है, या फिर ये कंट्रोल से आप कैसे कर रहे हो, ये सब चीज़ें बेसिक सी है जो थी वो मैंने ट्यूटोरियल 1 में पहले ही कवर कर रखी है। अगर आप न्यू हो इस चैनल में तो आई वुड रिकमेंड गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और वहाँ पर ट्यूटोरियल 1 से शुरू करो, आपको पूरा बेसिक कवर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, एंड देन दिस इज द डिक्रीज इंडेंट एंड देन इंक्रीज इंडेंट क्या है भाई, तो ये यहाँ पे मैं डिक्रीज कर दूँ इंडेंट को, तो वो इंडेंट पोजिशन ले लेगा। मैं कंटेंट थोड़ा सा ले लेता हूँ यहाँ पे, एक्चुअली कंटेंट का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा कुछ कंटेंट ऐड कर देता हूँ, जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि मुझे यू नो काम कर सकूँ इस चीज़ के ऊपर। जूम आउट कर देता हूँ एंड देन, ठीक है, ये क्या कर रहा है, स्पेस जो है इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट को थोड़ा सा स्पेस
ले रहा है। अगर आप एमएस वर्ड की थोड़े जानकार हो दोस्तों, तो वहां पे अगर आप देखोगे थोड़ा सा वो जो लिखने से पहले वो कुछ स्पेस ले लेता है, वैसे टाइप्स कुछ स्पेस आपको कवर करेगा, ठीक है, स्टार्टिंग के वे में। सो चीज के लिए ये यूज होता है। अभी आप देख रहे हो दोस्तों, सपोज नो मैं, ये मेरा कुछ स्क्रीन है, ठीक है, मुझे बार बार क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, या आके या फिर यहाँ पे जाना पड़ रहा है, ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज को देखने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए मेरे पास एक तरकीब है, हमें क्लिक करना होगा रैप टेक्स्ट के ऊपर। सो इससे क्या होता है ना, जो पर्टिकुलर अपना जो बॉक्स है, राइट, टेबल बॉक्स है, वो आपको एक ही बॉक्स के अंदर कवर हो जाता है। अब वो कैसे करेंगे, अभी सपोज मेरा टेबल है, राइट, यहाँ पे क्लिक करा मैंने, यहाँ पे क्लिक किया, तो वो जितना भी कंटेंट मैंने वन लाइनर में था, राइट, वो एक ही बॉक्स के अंदर आ जाएगा, करेक्ट। सो अगर नहीं समझा तो मैं वापस एक बार आपको बता दूँ, ठीक है। सपोज मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे, करेक्ट, ये जस्ट रॉ डंप लिया दोस्तों, मेरे पास कुछ डेटा नहीं था, शीट नहीं थी, इसलिए मैंने जस्ट एक आपको एग्जाम्पल पर्पज कर रहा हूँ ये सब चीज़ें, ठीक है। अगर आप देखोगे तो टाइट मुझे फार्मूला बार में दिख रहा है कि यार यू नो कंटेंट है कहीं ना कहीं पे, बट वो एग्जैक्टली एक सेल में नहीं आ रहा है, तो वो कैसे आएगा, उसके लिए मुझे रैप टेक्स्ट पे क्लिक करना है। सो ऑटोमेटिकली जितना भी कंटेंट है आपको एक सेल के अंदर पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। एंड देन मर्ज सेंटर, मर्ज एंड सेंटर, अभी क्या होता है, ठीक है, ये कुछ अगर आप बोलोगे आपको पता तो पता है, ठीक है, आपने मेरे ट्यूटोरियल वन दिखी रहेगी वहाँ पे, दिस इज कॉल्ड सेल, ये सेल्स होते हैं, राइट। अब ये सेल जो है E13, ठीक है, एंड देन F13, दोनों में मेरा कुछ कंटेंट है सपोज, राइट, तो वो जो कंटेंट है, अब मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो कर लिख दिया मैंने, मुझे क्या करना है, या फिर सपोज ये हटा के मैं फ्रूट, मुझे जो है ना ये पूरी जगह पे आना चाहिए, तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, एज एन ये पूरा कवर करना चाहिए कि एग्जैक्टली मेरा डेटा फ्रूट के लिए है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे क्लिक कर दूंगा फ्रूट, तो ये पूरा कॉलम जो है ना, बी सेपरेट सेपरेट जो सेल्स थे वो पूरा कवर कर लेगा। एंड देन यहाँ पे डी ई, ठीक है, मुझे ये भी कवर करना है, तो मैं क्या करूँगा शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे ले लूंगा, एंड देन तो क्या करता है वो मर्ज कर देता है, दो सेल्स है मेरे पास, दोनों सेल को एक ही इसमें कन्वर्ट कर देता है, ये कुछ मर्ज हो गया, राइट। एंड देन नेक्स्ट है हमारे पास नंबर्स फॉर्मेटिंग, ठीक है, सो ये हो गया आपका अलाइनमेंट, एंड देन नंबर्स फॉर्मेटिंग। नंबर्स फॉर्मेटिंग क्या होता है, मैं थोड़ा कंट्रोल जेड कर देता हूँ, अपनी प्रीवियस शीट में आ जाता हूँ, ठीक है। अमाउंट, ये कुछ नंबर कन्वेंशन है, अगर मेरा कुछ डेटा जो है, डेटा फील्ड्स जो है मेरा, पैरामीटर्स, डेटा टाइप आई कैन से, वो पर्टिकुलर डिजिट में है या फिर वैल्यूज़ में है, ठीक है, वैल्यूज एज एन डिजिट एक ही है, ठीक है। उसके बाद में अपना कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट एज एन टेक्स्ट के अंदर है, तो उसका डेटा टाइप अपने फिक्स करना होता है। सो वो कहाँ से करेंगे, तो यहाँ से करना होता है, ठीक है, ये नंबर्स में है, तो ये नंबर्स में 0.00 को दिखा देगा आपको, ठीक है। एंड देन करेंसी में है अगर, तो ये कुछ रुपीज़ में आ गया मेरा, मैं इंडिया बेस्ड हूँ दोस्तों, यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे कुछ करेंसी इस तरह से आ रही है। अगर आप पाकिस्तान या फिर कुछ कोई और कंट्री से बिलोंग कर रहे हो, तो आपको कंट्री आपके हिसाब से आ जाएगी, आप करेंसी अगर डाउनलोड कर लोगे प्लगइन तो, ठीक है। सो अकाउंटिंग में अगर कुछ है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो ड्रॉप डाउन से वन बाय वन, ठीक है। सो मैं एक एक चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ताकि आपको यू नो वीडियो लंबी ना हो और आपको ज़्यादा बोर ना हो इसके ऊपर। परसेंटेज, तो परसेंटेज साइन आपको दिखा देगा। अभी परसेंटेज देखो कि ऐसा कुछ दिख रहा है, राइट, तो मुझे यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं डिक्रीज, तो पॉइंट्स उसके कुछ हट जाएंगे, 0.00 था वो निकल गया। अगर ऐड करने हैं तो मुझे, मैं पॉइंट्स भी ऐड कर सकता हूँ सेंट्स, ठीक है। एंड देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉमा स्टाइल, ये कुछ नॉर्मल कॉमा स्टाइल में कन्वर्ट हो गया, मेरा परसेंटेज हटा दिया, ठीक है, परसेंटेज में आ गया। एंड देन अगेन सिंपल, यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग है आपके हिसाब से, डॉलर साइन या फिर जो कुछ आपके कंपनी कंट्री के हिसाब से है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक एक्सेल ट्रेनिंग गाइस, आई होप यू लाइक दिस ट्रेनिंग। अगर चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियो और बनाऊँ, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि एंड ऑफ दिस ट्यूटोरियल
मैं एक सर्टिफिकेशन लॉन्च कर रहा हूँ, जैसे उसकी पूरी डिटेल्स मैंने ट्यूटोरियल 1 में बता रखी है ऑलरेडी। अगर आप अवेयर नहीं हो सो आई वुड रिकमेंड गो एंड वॉच माई ट्यूटोरियल 1 सीरीज, वहाँ पे मैंने बता रखी है कि एंड ऑफ दिस, जैसे मैं पूरी टैब्स कंप्लीट कर दूंगा, एंड ऑफ दिस आई विल यू नो क्रिएट वन सर्वे लिंक और मे बी वन क्विज कॉन्टेस्ट, ठीक है, जहाँ पे आपको एक एग्जामिनेशन देनी होगी, पोस्ट दैट यू विल गेट द सर्टिफिकेशन फ्रॉम आवर एंड। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।